Incredibly, it's just one of more than 200 suspicious fires across our state in the past 2 months. फिर हुई लपटों की ललकार, फिर भड़क उठे हैं शोले. We're evacuating because someone lit a fire. It is total fire ban. Don't you understand? You're ruining people's lives. There's some bloody nutcases about, and we don't need them, do we? जलते जा रहे हैं जंगल. और सहम उठा है इंसान. It's disappointing because, you know, we're only one of hundreds and hundreds of people that have been affected by this fire. More than 400 homes have been destroyed, and as of today, 1.5 million hectares has burned. इस बार कुदरत के गुस्से का शिकार हुआ है ऑस्ट्रेलिया. ये शोले ऑस्ट्रेलिया में पिछले एक महीने से भड़की उस आग के हैं, जिससे ऑस्ट्रेलिया का पूर्वी तट राख में बदलता जा रहा है. इस आग को काबू में करने के लिए जितनी कोशिश हो रही है, आग उतनी ही ज्यादा भड़क रही है. आग को बुझाने के लिए सैकड़ों दमकल कर्मी जमीन पर काम कर रहे हैं. साथ ही आसमान से भी इस आग को बुझाने की कोशिश जारी है. कुदरत के इस कहर से ना तो इंसान बच पा रहा है और ना ही बेजुबान जानवर. आग के शोले अब तक जंगल को ही जला रहे थे, लेकिन अब लपटों ने शहर की ओर रुख कर लिया है, जिससे पूरा ऑस्ट्रेलिया सहम गया है. My partner's in there, the house is covered in ash. We still got family trapped in there. Now I'm doing my third trip to Childers to get food for the kids. Gosh. Yeah, we got 6 of them. ऑस्ट्रेलिया में कुदरत का सबसे बड़ा कहर न्यू साउथ वेल्स पर टूटा है, जिसकी राजधानी सिडनी है. न्यू साउथ वेल्स के जंगलों में लगी आग का धुआं अब शहर में पहुंच चुका है. सिडनी जैसा शहर धुएं के बादल में ढक चुका है. आग के जंगल से निकलकर रिहायशी इलाकों में पहुंचने की वजह तेज हवा है, जिससे धुआं भी शहरों में पहुंच रहा है और लपटों का रुख भी रिहायशी इलाकों की ओर हो गया है. Quite significant air quality issues associated with that smoke overnight, where we've had an inversion, what we call a cap on the atmosphere that's really trapped the air. आग अब तक सैकड़ों आशियाने उजाड़ चुका है और इसका कहर रुकने का नाम नहीं ले रहा. लपटों के इस खौफनाक रूप को देखकर ऑस्ट्रेलिया बुरी तरह डरा हुआ है. जिन इलाकों में शोले भड़के हुए हैं, वहां लोग सुरक्षित जगहों पर भाग रहे हैं. Disgusting. I was woken up at about 2 o'clock this morning. It's terrible. Very difficult to breathe, and I don't have any health issues. आग से लड़ने के लिए ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन पिछले एक महीने से भड़के इन शोलों पर अब तक काबू नहीं पाया जा सका है. हालांकि कोशिशें अब भी जारी हैं. Challenges we've got, Michael, is not only we've got these high temperatures, the mid to high 30s, dry atmosphere, but we've got this real mix of converging winds today, and you can see the smoke impact into the Sydney. आग की चपेट